नमस्ते। आज की रेसिपी में हम बना रहे हैं इंस्टेंट बासुंदी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप हमारी देख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट बासुंदी बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेगी ये हम देखते हैं। इंस्टेंट बासुंदी बनाने के लिए हमें शक्कर लगेगी। यहाँ हमने शक्कर लिए थोड़ी सी, 3 से 4 चम्मच शक्कर। हम अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिल्क पाउडर लेना है हमें 3 छोटे चम्मच। ड्राई फ्रूट कतरन ली हमने, बादाम पिस्ता काजू कतरन, और थोड़ी सी केसर जो हमने दूध में भिगा दी है, इलायची पाउडर, और ये हमने ब्रेड लिए हैं मीडियम साइज के 2, और आधा लीटर दूध, यानी आधा लीटर दूध में हमें 2 ब्रेड लगेंगे। और दूध हमने ताजा लिया है, तो चलिए अब हम दूध को उबाल आने के लिए रख देते हैं। दूध को उबाल आने के लिए हमने रख दिया है। तब तक हमने जो 2 ब्रेड लिए हैं, इसकी जो स्लाइस है किनारे स्लाइस की, इसे हम पूरी तरह से कट करना है। हमें जो ब्राउन पोर्शन है, एकदम वाइट पोर्शन तक के हमें इसे कट करना है। इस तरह से हम इसकी ये किनारे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने किनारे निकाल लिए हैं। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। हमें इसे बिना पानी के पीसना है, सूखाई। इस तरह हमने इसे पीस लिया है। दूध को हमने 1-2 उबाल ले लिए हैं। और जब हम ये दूध उबालने रख रहे हैं तो ध्यान रहे कि जो हम बर्तन ले रहे हैं ये थोड़ा मोटे तले का होना चाहिए। अब दूध को 1-2 उबाल आ गए हैं अच्छे से। उसके बाद में हमने जो ब्रेड क्रश किए हैं ये हम इसमें मिला देंगे। हम इसे मीडियम आंच पे लगभग 5 से 7 मिनट चलाते रहेंगे। देखिए उबाल आ गया है इसमें। उसके बाद हम इसे 5 से 7 मिनट लगभग रहने देंगे ऐसे ही उबलने। अब जो हमने जो मिल्क पाउडर लिया था, इसका हम थोड़ा सा ऐसा पानी डाल के पेस्ट बना लेंगे। हमने इसे पानी डाल के थोड़ा सा भिगो लिया है अच्छे से। हमने डायरेक्ट दूध में इसलिए नहीं डाला है कि इसकी गुठलियाँ भी पड़ सकती है। हमें 5-7 मिनट हो गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा और अच्छे से उबाल आने पे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और गाढ़ी होते जा रही है। अब हम इसमें ये मिल्क पाउडर जो है ये मिला लेंगे, फिर इसे 5 मिनट उबाल ले लेंगे। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे। शक्कर हम अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हमें इसे 2 मिनट तक शक्कर पिघलने तक के गर्म करना है। देखिए और जैसे जैसे हमने मिल्क पाउडर डाला उसके बाद में ये और गाढ़ी होते जा रही है। शक्कर डालने के बाद में हम इसे उबाल आने तक ही रखेंगे। इसमें हमने जो केसर ली थी वो डाल देंगे, थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालेंगे। हम अभी थोड़े ही डाल रहे हैं, बाकी हम ऊपर से डालेंगे जब हम सर्व करेंगे इसे तक। और अब हम गैस बंद करके इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इसे आधे से 1 घंटा फ्रिज में ठंडा करने के लिए रखेंगे, क्योंकि बासुंदी का ठंडी होने पे ही इसका मज़ा अच्छा आएगा और ये और गाढ़ी हो जाएगी। 1 घंटा हमने फ्रिज में रखने के बाद में ये पूरी तरह से ठंडी हो गई है और अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें और जो हमने बादाम कतरन पिस्ता कतरन रखी थी ये हम और ऊपर से इसमें पूरे मिला देंगे। इस तरह हमारी स्वादिष्ट इंस्टेंट बासुंदी रेडी है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और कितनी बढ़िया बनी है ये। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।